हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवू और आपका रवू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रवू और शायद इसमें आगे नहीं देख रहा। अभी के बज रहे हैं सुबह के 5। अभी फ़िलहाल मुझे एक शेर मिला है, वो शेर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वो शेर है, दिखा कितना, वाह भाग रहा है, भाग रहा है शेर। और फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कस्तूरबा चंद पार्क, और यहाँ पे जो है भैया आग सेक रहे, तो इनके साथ में मैं भी आग सेक रहा हूँ क्योंकि सुबह का बज रहा है 5, हाँ 5 बज रहे। तो ये भाई जो है आग सेक रहे, तो मैं बोला चलो थोड़ा मैं भी इनके साथ में बैठता हूँ। और अभी जो ये पार्क खुलेगा तो देखता हूँ एंट्री देने का, तो ठीक है नहीं एंट्री दिया तो बाहर से दिखाऊँगा। हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये है कस्तूरबा चंद पार्क, ये यहाँ से एंट्री है। और अभी जो है एंट्री थोड़ा 5 बज चुका है, हाँ भैया कितना 5 बज चुका है ना। और ये भाई जो है यहाँ पे आग सेक रहे थे, तो मैं इनके साथ में आग सेक रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। भैया यहाँ जो कस्तूरबा चंद पार्क है, इसकी क्या खासियत है? खासियत क्या, ग्राउंड है, रावण चलता है यहाँ पे रावण के समय में, और वो एक रघु जी राजा का विश्राम का स्थान बना है उनके जमाने का, और वो है। और जानकारी चाहिए उधर भी कुछ लोग, उनसे भी जानकारी ले लेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? विजय। अच्छा, आप कितना साल से नागपुर में? नागपुर से तो मैं 20 साल से। 20 साल से आपकी पैदाइश ही मतलब इधर ही है ना? हाँ। तो आप अच्छी तरह से भली भांति यहाँ पे जानते होंगे ना कि ना ये कस्तूरबा चंद पार्क के बारे में। यहाँ पे ये पार्क है, वो ये जो बनाया है इसका मॉडर्न, वो एक राजस्थान के आदमी थे, उन्होंने जो है ये नागपुर जो है गवर्नमेंट को गिफ्ट किया है, ठीक है, ये वाला जो है गिफ्ट किया है ग्राउंड। और ये जो है वो इतने महान थे, उन्होंने जो अंदर जो स्क्वायर बनाया ना मंदिर जैसे, वो जो बनाया वो टेम्पल की जैसा, वो जो है ना वो पूरा राजस्थान का सेफ है पूरी तरह से। हाँ, अंदर बनाया, हाँ वो। और यहाँ भी है BSNL का ऑफिस भी है यहाँ पे, और हाँ BSNL का ऑफिस इस साइड में है, लेफ्ट साइड मेरे ये साइड में, ये साइड में, और एक और ऑफिस है यहाँ पे, मालूम है आपको, एक और ऑफिस है, दो ऑफिस है यहाँ पे, LIC का है। हाँ, और LIC ये साइड में LIC ऑफिस है। तो अभी जो यार आग शिक्षक थे, इनसे कुछ जानकारी मैंने पूछा और इनको जो जानकारी थी उन्होंने बताया। अभी जो है मैं अंदर जाके देखूँगा, अगर अंदर एंट्री हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ एंट्री तो बाहर से जितना हुआ शो कर आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये यहाँ का नागपुर का बहुत फेमस पार्क है कस्तूरबा चंद पार्क है ना। तो बने रहे आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप बोल दीजिए ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलेगा ना लाइक सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सरप्राइज नहीं सर, ओके भाई अभी बिजी होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, बने रहे आप मेरे साथ में, क्या बोलते भाई, बने रहे। और ये भाई जी अभी आग से बाय 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 बाय। और अभी मेरे साथ में एक सर आए हैं, सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आतिश बागड़े। ओके, तो सर आप नागपुर में रहते हैं ना जी, आप क्या इसके बारे में सर जानकारी जानते हैं, जो इसके बारे में बताएंगे? इसके बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, हाँ, पर इतना है कि ये प्राचीन जो है, हाँ, गवर्नमेंट, हाँ, प्राचीन धरोहर है अपने नागपुर की। ओके, और बहुत पुरानी है। और आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट को ये डोनेट किया है, ये नहीं नहीं उसका बारे में आइडिया नहीं है, ये गवर्नमेंट को डोनेट किया गया है जगह, जो राजे थे उन्होंने ये जगह एक व्यापारी को बेची गई। यार ये समझदार नहीं होते। और फाइनली मैं जो है यहाँ पे आ चुका हूँ कस्तूरबा चंद पार्क, और अब मैं जो है एंट्री करने वाला, ये यहाँ का मेन गेट है, और यहाँ से अंदर जाता हूँ और दिखा दो आप लोगों को क्या आगे है क्या एक्चुअल में। तो ये यहाँ का आउट गेट है, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 हो गए हैं, और अभी यहाँ पानी वानी भी डाल चुके हैं ये लोग, और ये अभी अंधेरा ही है, ठीक है। आगे फ्रंट साइड से जाएंगे और फ्रंट साइड से दिखाएंगे, ये यहाँ पे ओवर ब्रिज मेट्रो का है, ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो ये ओवर ब्रिज है मेट्रो का। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये वाला है कस्तूरबा चंद का जो किले के जैसे बना है राजस्थान में, और ये राजस्थान का बताया जाता है कि राजस्थान का जो है उसका सेम सेम ये राजस्थान के थे, बोला जो ये लोग थे इनको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन
मेरे जितना अभी रिसर्च किया और जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में उन्होंने बताया कि ये राजस्थान के बिजनेसमैन थे और यहाँ नागपुर में सेटल हुए और उसके बाद भी उन्होंने ये जो है गवर्नमेंट को हैंडल कर दिया। और यहाँ पे एक तोप है ये साइड में, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो नज़दीक जाके दिखाऊंगा मैं। एक तोप है और ये यहाँ आ चुका हूँ मैं, ये वाला है मेन और लाइट वेट भी है ये। वहाँ पे ये ऑफिस है किंग्स वे, ठीक है, वो सामने दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा। ये तोप है यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि ये तोप, ये वाली तोप है, तोप है और ये यहाँ से है। अब इसके नज़दीक आ चुका हूँ मैं तो, और इसका मॉडर्न क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी अगर फ्रंट कैमरे से नहीं दिख रहा तो बैक कैमरे से दिखाता मैं, ठीक है ना। ये जो है देखिए आप, ये पूरा राजस्थान का जो कि वो बनाया है ना, सेम दिखता है। और अब जो है मैं यहाँ से आया हूँ, अब मैं चलता हूँ बाहर। मेट्रो है इस तरह का है ये, कस्तूरबा चंद पार्क, और यहाँ पे ये झरना भी है। अभी अगर उजाले में आते हो तो तब दिखता है ज़्यादातर, अभी अंधेरे में कम दिखता। अभी आपको ये जानकारी कैसे लगी आप इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और लाल कलर का बटन जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको ऐसी वीडियो और हर तरह के वीडियो बनाते रहेंगे और आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, हर तरह का ब्लॉग मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो बने रहे आप, तब तक स्टे ट्यून। और ये किला, ठीक है, तो चलते हैं बाहर, अभी मैं जा रहा हूँ। ये ब्लॉग यहीं तक था, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू।